पॉलिसी बन रही है, यस, तो इनको जब जैसे जानकारी मिलेगी पॉलिसी बन रही, उस पॉलिसी में लिया जाए इनको, yes. ये है मेन डिमांड। हरियाणा में करीब 1.5 लाख कर्मचारी जी इस तरह के हैं जी। जैसे ये कॉलेज वाले हैं, कुछ दिन पहले मेरे पास यूनिवर्सिटी वाले थे, उससे पहले मेरे पास स्कूल में जो कंप्यूटर पे लगे हैं वो आए थे, उससे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आए थे, देयर आर सो मेनी पीपल्स, तो जो काम कर रहे हैं, तो इनके लिए सरकार ने एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाने के लिए 7 बड़े अधिकारियों की सीनियर आईएएस ऑफिसर की कमेटी बनाई है, जिसमें एक लॉ ऑफिसर भी शामिल है, ताकि किसी भी रूप में उस पर कोई चैलेंज ना हो। और इनके लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो एक मिनिमम 5 साल, यानी कि जिस व्यक्ति को लगे कम 5 साल हो गए हैं और उससे अधिक है, उन सब के लिए सरकार जो है शामिल लेकर के और इनको शामिल किया जाएगा। उसमें सभी कैटेगरीज को प्रयास किया जा रहा है कि शामिल कर लिया जाए, चाहे वो एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, चाहे वो अस्थाई कर्मचारी हैं, चाहे वो सेंक्शन पोस्ट के गेस्ट लगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे, तमाम कर्मचारियों के लिए पॉलिसी इस तरह की बनाई जा रही है कि उनको बार बार अपना मतलब एक करियर सुरक्षित महसूस हो, बार बार उनको एजिटेशन पर ना जाना पड़े। मुझे भी ये लगता है कि भगवान ने सुनी इनकी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इनका मुझे लगता है कि आखिरी आंदोलन होगा, इसके बाद ये भी निश्चिंत रहेंगे और हमारी सरकार भी निश्चिंत रहेगी। बिल्कुल, कर्मचारी अपने मतलब अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर आंदोलन रहते हैं, करते रहते हैं, तो इस कड़ी में इनका ये है कि भाई ये जो सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार का इनका अपना दावा, कई बार हमने इनसे बात की कि उससे पहले इस तरह की समस्याओं का निदान हो। मैडम आप भी बताएंगे थोड़ा, लगता है आपको कि जो ये पॉलिसी बनाई जा रही है इसमें को शामिल किया जाएगा, आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए, वैसे तो हमें, हम 10 साल से 2010 से लगे हुए हैं तो 14 साल हो गई जी, बिल्कुल। तो हमें करना चाहिए, हम प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं, हमारी एड निकली है, प्रॉपर इंटरव्यू हुए हैं, प्रॉपर हमारा मेरिट लिस्ट बनी है, फिर हमारा सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।